सो गाइस फाइनली एक बैड न्यूज़ है, मेरा चैनल हो चुका है डेड, पूरी तरह से डेड हो चुका है। आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इंप्रेशन एकदम लो जा रहा है और सब चीज़ यहाँ पर लो जा रहा है। सो गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था और मैंने बताया था कि एक लॉन्ग वीडियो जरूर आएगा, तो गाइस फाइनली लॉन्ग वीडियो आ चुका है। और आप भी ये गलती करोगे, इस वीडियो में बताने वाले जो है आप भी वो गलती करोगे तो आपका भी चैनल हो सकता है डेड। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आप कभी ना कभी तो आपका चैनल डेड होगा अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे। सो गाइस पहली गलती ऐसा ये नहीं करना कि अगर आपके वीडियोज पे लाखों में व्यूज चला जाए, अगर आपका वीडियो वायरल हो जाए तो आपको डेली वीडियोज बनानी है, जो मैंने नहीं किया था। आप देख सकते हैं मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो में देख सकते हैं 2,80,000 व्यूज चले गए थे, पर उस समय मेरा मोबाइल हो चुका था खराब, तो इसलिए डेली वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए चैनल हो चुका पूरी तरह से डेड, इसलिए एक भी अब वीडियो पे एक भी व्यू नहीं आता है। तो बस आप ऐसे गलती मत कीजिएगा और नहीं तो आपका भी चैनल हो सकता है डेड। और दूसरी गलती आपको क्लिकबैट करना है, लेकिन आपको अपने ऑडियंस को फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि कितने लोग होते हैं दिखाते हैं इस आपको देखो भाई साहब 500 मिलेगा, और वीडियो को शुरू करने के बाद भाई साहब एक भी रुपए नहीं मिलते। तो आप ऐसा क्लिकबैट करोगे तो आपका भी चैनल हो सकता है डेड। और भी क्लिकबैट है मैं बताता हूँ, और कोई लोग गिव अवे करते हैं, फेक गिव अवे करते हैं, गिव अवे कर देते हैं, गिव अवे का रिजल्ट निकालते नहीं है, ऐसे भी उनका चैनल हो सकता है डेड। और तीसरे नंबर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, और आप यूट्यूबर बनना चाहते हो हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन आप क्या करते हो, आप खुद की वीडियो नहीं दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो, और आप सोचते हो कि मेरे वीडियो पे व्यूज आ जाएगा, लाखों में सब्सक्राइबर आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, तो फिर मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपकी ऑडियंस जिस वीडियो को अपलोड करोगे उसी वीडियो से प्यार करेंगी और उसी वीडियो को देखकर वैसा ही वीडियो देखने आएंगे। पर आप अपलोड कर रहे हो किसी और का वीडियो, फिर अपना वीडियो अपलोड करोगे, तो आप अगर मान लो आप मनोज देव की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो, मनोज देव का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऑडियंस भी मिल सकते हैं, सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं, व्यूज भी मिल सकते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करते हो आप लोग फिर अपना वीडियो बनाने लगते हो, जो ऑडियंस है वो मनोज देव की वीडियो देख के आपके चैनल पे आई है, फिर अपना वीडियोस बनाने लगते हो। तो गाइस आपकी वीडियो को क्यों देखेंगे ऑडियंस, वो तो मनोज देव का फैन है और मनोज देव की वीडियो देखते हैं, तो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे। सो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपके वीडियो पे व्यू आए या फिर नहीं आए, आपको रेगुलर वीडियो बनाना, अपना खुद का वीडियो बनाना, जेन्युइन कंटेंट लाना, अलग अलग कंटेंट लाना, आपका वीडियो 100% वायरल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना, हम मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।